इस साइड में स्टेप कट है और आगे से काइंड ऑफ ऐसा है। और ये रहा मेरे पीछे का लुक, पीछे नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल स्माइल विद शताब्दी। आज शाम का अभी हो रहा है नियर अबाउट 7:30 PM। शाम के 7:30 बजे अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट इन द सेंस मैं जाऊंगी डेंटल क्लिनिक, क्योंकि कुछ काम है, ऑब्वियसली थोड़ा सा दांत का इशू है, तो उस वजह से मैं जाऊंगी डेंटल क्लिनिक एक रूटीन चेकअप के लिए। तो चलिए बिना लेट किए चलते हैं, निकलते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है, 7:30 का अपॉइंटमेंट है हमारा। सो आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज, डेंटल क्लिनिक में मैं वीडियो नहीं कर पाई, क्योंकि आप जानते ही हो वहाँ पे थोड़ी सी टेंशन वाली बात हो जाती है जब डेंटिस्ट जो है वो चेकअप वगैरह करते हैं दांतों का। उसके बाद मैंने विजिट किया था मिरेकल यूनिसेक्स पार्लर, जिसका फुल व्लॉग मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। मिरेकल यूनिसेक्स सैलून जो माराथाली में है, स्माइल विद शताब्दी से आप अगर टाइप करोगे तो आपको फुल व्लॉग मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा हेयर कट करवाया है विथ थ्रेडिंग अपर लिप्स एंड थ्रेड, जो आईब्रोज थ्रेडिंग करवाया था। फुल डिटेल्स ऑफ हेयर कट मैं बाद में आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसी वीडियो में। और उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा सा मार्केट बाज़ार, कुछ बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी मुझे, तो हम गए थे एंशियंट टाइम्स ऑन मॉडर्न मशीन्स ATM के नाम से एक ग्रिल चिकन का एक स्टोर है, छोटा सा एक दुकान है जहाँ पे आप बैठ के भी you know, खा सकते हो और इवेंचुअली आप पैकिंग भी करवा सकते हो। मुझे रोल खाने का बहुत मन था, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे शॉर्मा रोल जो है वो बहुत ही टेस्टी और यूनिक तरीके से बनाते हैं और बहुत ही यमी होता है। लोगों का भीड़ हर शाम को उभर के रहती है, आपको लाइन, लिटरली आपको लाइन लगाना पड़ेगा। मैंने ATM टू ये जो एक दुकान है ना ग्रिल चिकन का, इसका ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे एक व्लॉग बनाया है, फिर भी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख ही सकते हो किस तरह से शॉर्मा रोल का जो स्टफिंग है बना रहे थे। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्लिपिंग आप लोगों के साथ शेयर की है कि किस तरह से चिकन जो है आपके सामने ही बना के उन लोग देंगे। चिकन लॉलीपॉप हो गए, ग्रिल चिकन हो गया, चिकन तंदूरी हो गई, आपको जो भी साइज़ के चिकन आप चाहिए होगा आप जस्ट दिखा देंगे तो वो लोग बना के आपको प्रेजेंट करेंगे। और मैंने यहाँ पे आपके साथ जो ग्रेट चार्ट है उन लोगों का वो भी शेयर किया है, स्विगी जोमेटो में भी ये उपलब्ध है और आप देख ही सकते हो किस किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे लेने थे कुछ फ्रेश फ्लावर्स, तो बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जाते वक्त मैंने कुछ फ्रेश फ्लावर्स लिए घर के लिए, मुझे फ्रेश फ्लावर्स बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो बस पहुँच चुकी हूँ मैं अपने घर पे और आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूँगी घर के अंदर। हमें बहुत अच्छा एक बनाना मिल गया था और हमने यहाँ पे 1/2 kg ऑफ बनाना लिया और 1 packet मिल्क लिया था। सो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अभी मैं चल के ही गई थी और हाँ, हेयर कट कुछ ऐसा था, मेरा लुक्स अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो प्रीवियस वाला मेरा हेयर का ग्रोथ हो गया था उसमें कट जो एक सेट का जैसा आया था, जो एक फाइनल लुक बहुत ही गंदा आ रहा था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने एक प्लेन कट करवाया है हेयर कट। इसमें थोड़ा सा मैंने स्टेप कट का भी यहाँ पे इस साइड में स्टेप कट है और आगे से काइंड ऑफ ऐसा है। मेरा बाल बचपन से ही स्ट्रेट इन फॉर्म में है, तो इस वजह से ज़्यादा कर्ल वगैरह या फिर कुछ वैसे काइंड ऑफ इफेक्ट नहीं आता है, हमेशा स्ट्रेटनिंग इफेक्ट ही मेरे बाल में ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि मैं नेचुरली मेरे बाल जो है वो स्ट्रेट पैटर्न में ही बचपन से है। तो आप बताइएगा कमेंट में कि कैसा लग रहा है मेरा हेयर कट मेरे फेस कटिंग में, होप कि अच्छा लग रहा हो। तो ठीक है, मैं अभी हो जाऊंगी फ्रेश, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और ये रहा मेरे पीछे का लुक, पीछे जो हेयर कट का पीछे का प्रॉपर लुक। सो फ्रेंड्स, मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मैं जब भी हेयर कट लूँ, एक तो बाउंसी लुक आना चाहिए उसमें, प्लस मेरे फेस को जो हमेशा कॉम्प्लीमेंट करे और अच्छा लगे।
तो हो चुकी हूँ मैं फ्रेश अभी, और अभी घड़ी पे हो रहा है 9:00 रात के, और बस मैं अपना कंफर्टेबल गाउन में आ गई हूँ रात में. मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि मैंने कहा था कि मैं डेंटल क्लिनिक में जा रही थी उस टाइम पे, तो मैं डेंटल क्लिनिक में ही गई थी. वहाँ पे एक रूटीन चेकअप था, मैंने RCT करवाया था, तो उसका ही एक रूटीन चेकअप था. वो ज़्यादा देर नहीं लगा मुझे, मैं दो काम लेके ही गई थी. एक था कि रूटीन चेकअप में अगर डेंटल क्लिनिक में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया मुझे तो पार्लर में जाके थ्रेडिंग वगैरह नहीं करवाऊंगी, और ये हेयर कट तो करवाने का कोई मेरा दिमाग में ही नहीं था, मैं सिर्फ थ्रेडिंग के लिए ही गई थी. लेकिन क्या हुआ कि डेंटल चेकअप बहुत जल्दी हो गया मेरा, लाइक 15 मिनट्स में कवर कर दिया था डेंटिस्ट ने. और उसके बाद मैं चली आई थी पार्लर में, तो पार्लर भी खाली था उस टाइम सैलून. तो थ्रेडिंग वगैरह करने के बाद जस्ट मेरे दिमाग में ये आया कि एक बारी पूछ लूँ कि हेयर कट अभी पॉसिबल होगा कि नहीं. तो जो स्टाइलिश है मिस्टर सुभाष मिरेकल का, मिरेकल का एक प्रॉपर व्लॉग है मेरे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सर्च कीजिए मिरेकल पार्लर स्माइल विद शताब्दी के नाम से, तो आपको फुल ऑन डिटेल्स मिल जाएगा मिरेकल पार्लर के बारे में. तो उसका ऑलरेडी वीडियो पोस्ट है मेरे चैनल पे. तो वहाँ का जो स्टाइलिश है, मैंने सिर्फ इतना ही कंडीशन रखा था उनके सामने कि मुझे एक स्टेप कट का एक सेक्शन चाहिए होगा मेरे बालों में, तो उन्होंने वो वाला सेक्शन दिया है मेरे बालों में. अभी तो मैं चल के आई हूँ बहुत दूर से, तो इसीलिए थोड़ा सा पसीना पसीना हो गया है. वैसे पार्लर में मैंने एक छोटा सा क्लिपिंग शूट किया था, वहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कितना बाउंसी और कितना कितना फ्लफी लग रहा था मेरे बाल. तो बस यही दिखाते हुए एक छोटा सा ही व्लॉग था आज का, कि मेरे घर से मेरे एरिया का मार्केट माराथली एरिया क्या क्या चीज़ें मिलती है, एक छोटा सा ग्लिम्स मैंने इस वीडियो में शेयर किया है आप लोगों के साथ. होप कि आपको पसंद आया. तो ये वीडियो और ज्यादा मैं लंबा नहीं खींच रही हूं, यहीं पे एंड कर रही हूं. तो मिलूंगी मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में. अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को स्माइल विद शताब्दी बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, वो तो आप जानते ही हो. तो फिर मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरा, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय.